न्यूज क्लिक में आपको आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज चर्चा का विषय है ये जो कोयला का कमियां के लिए बिजली उत्पादन कम हो गया, ये त्योहार के मौसम में इतने क्यों बिजली कट, लोड शेडिंग क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। इस विषय के ऊपर आज मेरा साथ टेलीफोन लाइन में जुड़ रहे हैं, आप उनको देख नहीं पाएंगे मगर उनका गला आप सुन पाएंगे, श्री अनिल स्वरूप। अनिल स्वरूप जी आईएएस अधिकारी थे, भूतपूर्व कोयला मंत्रालय का सचिव थे, 24 नवंबर 2016 से 30 जून 2018, और बहुत सारे विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। कोयला का जो घोटाला हुई थी, वो घोटाला के बाद जब स्वरूप जी सचिव थे, नया बोली नया नीलाम हुई थी, ये सारे विषय के ऊपर हम बात करेंगे। मगर आज हमारा चर्चा हम शुरू करेंगे कि ये जो बड़ा छवि है, बिग पिक्चर, ये क्यों हुई, कारण क्या है, और एक कारण नहीं बहुत सारे कारण है। तो देखिए, भारतवर्ष में लगभग 135 बिजली उत्पादन का कारखाना है जो कोयला इस्तेमाल करते हैं, और मार्च महीना में सारे कोयला कारखाने में 28 दिन का स्टॉक, उसका सीमा, स्टॉक का सीमा 28 दिन के आसपास था। ये सितंबर जब खत्म हो रहे थे, एकदम गिर के 4 दिन हो गया, और आज मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे भी बिजली का कारखाना है जो एक दिन का स्टॉक है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजली कारखाना है जो उत्पादन बंद कर दिया। मैं दो उदाहरण देता हूं, ये है गुजरात कटक, जो सबसे जो बड़े बड़े UMPP बोलते हैं, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, एक टाटा ग्रुप के है, एक अडानी ग्रुप के हैं, ये दो हर बिजली उत्पादन 40 मेगावाट इसका कैपेसिटी है, ये भी बंद हो गया। और आज 19 अक्टूबर 22 ऐसा बिजली उत्पादन का कारखाना था जिसका एक दिन का स्टॉक था, और ये 22 जो बिजली उत्पादन का कारखाना है 30,000 मेगावाट इनकी कैपेसिटी है। तो बहुत सारे कारण लोग ने बताया, हमारे कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी जी है, हमारे ऊर्जा मंत्री है आर के सिंह जी, अलग अलग कारण दिखाया। तो एक एक कारण के ऊपर हम बात करते हैं। पहला कारण जो दिखाया गया है स्वरूप जी, कि इस साल ज्यादा बारिश हो गई, अगस्त महीना में, सितंबर महीना में, अक्टूबर महीना में, और जहां खनन होते हैं वो पानी जम गया, कोयला भीग गया, और ये एक बड़ा कारण है जो प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं, जिसके लिए आप कोयला का उत्पादन कर रहे हैं। एक समय जिस समय कोयला का मांग बढ़ गया, क्योंकि आर्थिक हम देखे कोविड के बाद। तो मैं पहला जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो बारिश के लिए कितना फर्क पड़ा इस साल। देखिए, पूरा आकलन करना तो मेरे लिए संभव नहीं है कि कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क निश्चित रूप से पड़ता है, ये हर वर्ष पड़ता है। जब पानी बरसता है तो खनन में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके फलस्वरूप जितना कोयला सामान्य रूप से वहां से निकलता है वो कम हो जाता है। ये सामान्यतः जुलाई अगस्त सितंबर में होता है, लेकिन अब की बार वर्षा जो है थोड़ी लेट हुई, जिसके फलस्वरूप ये अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड रेन्स थे, जिससे प्रोडक्शन जो है इंपैक्ट हुआ, और ये कारण बना कोयले की उपलब्धि में, और उस वजह से ये कई कारण, जैसे आपने बताया एक कारण नहीं था, कई कारण थे जिसकी वजह से कोयला समुचित मात्रा में जो कि मिलना चाहिए था नहीं मिला। एक और जो कारण लोग दिखा रहे कि ये जो आर्थिक उन्नति हो गया कोविड के बाद, दूसरी लहर के बाद, दूसरा लहर के बाद, तो इसका एक कारण है कि जो आपने अंग्रेजी में कहा डिमांड साइड के बात हम करते हैं, जो मांग है अचानक बढ़ गया, तो ये कितना बड़ा कारण है, क्योंकि मालूम था सबको कि हाँ मांग बढ़ने वाले हैं,
तो क्या हमारा कोयला मंत्रालय, हमारा ऊर्जा मंत्रालय, हमारा कोल इंडिया लिमिटेड, इनको मालूम नहीं था कि जब आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तो हाँ मांग बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। ये पूरा विश्व में हम देख रहे हैं, ये भारतवर्ष की पूरा विश्व में हम देख रहे हैं कि मांग बढ़ गया। ये भी तो कोई आश्चर्य कारण नहीं है। तो हमारी सरकार क्यों अचानक ये एक स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं कि एकदम लोग डर गए हैं, एक के बाद एक मुख्यमंत्री गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसमें बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, इन लोग चिट्ठी लिखा केंद्र पे। देखिए, जितने कारण आप दर्शा रहे हैं उनमें कई कारण ऐसे हैं जिसको एंटिसिपेट किया जा सकता था, कुछ कारण ऐसे हैं जिनके बारे में आप एंटिसिपेशन नहीं कर सकते थे। जब हमने पहला कारण की चर्चा की, पानी बरसने की, इसको एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था, ये एक अनटाइमली रेन था। लेकिन जहां तक दूसरा कारण आप बता रहे हैं, कई और कारण भी है। दूसरा कारण जो डिमांड बढ़ी है, इसको एंटिसिपेट किया जा सकता था क्योंकि कोविड नीचे जा रहा था और आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, तो आर्थिक एक्टिविटी बढ़ रही थी जो कि स्टैग्नेंट थी पिछले 2 वर्षों से, वो बढ़ रही थी, इसको एंटिसिपेट किया जा सकता था। ये कदाचित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप ये स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन मैं इसको भी एक बहुत बड़ा कारण नहीं मानता हूं, कमी का। कमी का मेरे विचार से 2 प्रकार के कारण थे, तात्कालिक थे, एक लॉन्ग टर्म कारण था। जो तात्कालिक कारण ये था कि जितना कोल इन जेनको को, जेनरेटिंग कंपनीज को स्टॉक करना चाहिए जो कि 20 दिन का मैंडेटेड है, उससे कम इन लोगों ने स्टॉक किया। ये क्यों किया, ये अलग कारण है, ये मैं अलग, अगर आप चर्चा करेंगे तो बताऊंगा। हाँ, बताइए लेकिन बताइए इसी वक्त बताइए, क्योंकि सीईए है जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, वो अलग अलग बिजली कारखाना अलग अलग जगह में रहते हैं, 15 दिन किसी जगह में, 30 दिन किसी जगह में। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एवरेज 20 दिन के आसपास। तो ये मैंडेटेड जो कोल रखना था वो उन्होंने नहीं रखा। अब इसका भी कारण है कि ये जिनको क्यों ऐसा करते हैं, ये निटिंग कंपनीज की इन्वेंट्री बढ़ती है, जितने दिन का रखेंगे उतना आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होगी, तो उसको मिनिमम रखना चाहते हैं। अब इसके पीछे और जाइए, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि इन जनरेटिंग कंपनीज की वित्तीय स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसका विश्लेषण आज की तारीख में कोई नहीं कर रहा, हर जना कोयले की कर रहा है। मेरे विचार से कोयले की समस्या से ज्यादा पावर सेक्टर की समस्या है, क्योंकि जनरेटिंग कंपनीज का जो पीएफसी का डेटा है उसके अनुसार 31 मार्च 2021 को इन जनरेटिंग कंपनीज को 2 लाख करोड़ से ज्यादा अधिक की धनराशि डिस्कॉम से मिलनी थी, वो धनराशि इनको बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो इनका ये पैसा कहाँ से लाते हैं, डेट लेते हैं, उस पर ये इंटरेस्ट देते हैं, ये पैसा उनको डिस्कॉम से नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए इन्वेंट्री कम रखते हैं। हर हर एंटिटी चाहती है कि मिनिमम इन्वेंट्री पर चल रहा है, लेकिन जब क्राइसिस आती है तो मिनिमम इन्वेंट्री से प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे पास इस समय आंकड़ा नहीं है, लेकिन कई ऐसे जनरेटिंग कंपनीज थे जिनको 15, 20 या जितने दिन का रखना था कोयला, वो उन्होंने नहीं रखा। इसका भी विश्लेषण स्पष्ट रूप से होना चाहिए। मेरे विचार से तात्कालिक जो समस्या थी वो यही थी, और इसका समाधान भी उस प्रकार से हो गया। जैसे ही ये 3 मंत्री बैठे, इन्होंने इंश्योर किया कि उन जगह पर कोयला पहुंचाया जाए। मेरे विचार से तात्कालिक रूप से कोयले की उतनी कमी नहीं थी जितनी मैनेजमेंट की थी, लेकिन तो आपका ये कहना है कि जो समस्या हुआ, जो संकट हुआ, ये एक प्रबंधन का बात था, मैनेजमेंट का एक समस्या था। मैं कुछ आंकड़ा आपको दे रहा हूं जिस विषय में आपने कहा। एक है, अभी भी आईन क्या कहते हैं, आपका कानून क्या कहते हैं, कितना आपको स्टॉक कराना चाहिए, और इसका जो एक आप उसको पेनल्टी बोलिए, कोई इंसेंटिव दीजिए, कोई प्रोत्साहन कीजिए, या आप किसी को आप ठीक तरह से आप स्टॉक नहीं रख रहे, आप जितना सीमा होना चाहिए आपने नहीं रख रहे, आप इनको आप सजा दीजिए। ये तू तू में चल, जो बिजली उत्पादन करते हैं कंपनियां, वो बोल रहे कि हमें कोल इंडिया लिमिटेड को 20,000 करोड़ से ज्यादा देना पड़ेगा, और जो बिजली जो वितरण करते हैं इन कंपनियां को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा इनका बाकी है पैसा। तो एक तरह से ये तू तू में चल रहा है। और आपको याद होगा कि 2015 में जब मोदी जी का सरकार आए थे, उस समय हमारा ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा एक हलचल करके एक धूम ढाल क्या कहते हैं मच पब्लिसिटी देके एक कहा, उदय कार्यक्रम, उदय प्रोग्राम, जो आजकल सरकार बहुत पसंद करते हैं। उदय का मतलब क्या है? उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस
योजना, तो थोड़ा अंग्रेजी है हिंदी भी आ गया, मगर लग रहा है ये स्कीम काम ही नहीं किया, एकदम फ्लॉप कर दिया। तो ये सब स्कीम बनाने का क्या मतलब, ये आप स्कीम बनाते हैं, सब लोग को बताते हैं कि पब्लिसिटी करते हैं कि ऐसा स्कीम है, मगर तो स्कीम तो काम ही नहीं कर रहा है। देखिए उदय का उदय तो हुआ ही नहीं, अगर उदय का सही प्रकार से उदय हो गया होता तो आज की समस्या हमारे सामने नहीं आती। मेरे विचार से जो आज हम कोयले की समस्या का समाधान का प्रयास कर रहे हैं, मैंने 2014 में जब कोयले सचिव के रूप में कारोबार ग्रहण किया था तो पहली बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि अनिल जी आप कोयले की समस्या का समाधान कर दीजिए, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मेरा जवाब यह था कि हाँ सर, मैं प्रयास करूंगा कि कोयले की स्थिति सुधर जाए, लेकिन कोयले की स्थिति ऊर्जा की समस्या पूर्णतया नहीं है। मेरे विचार से पावर सेक्टर को कॉम्प्रिहेंसिव देखना पड़ेगा। अगर आप खाली कोयले की समस्या का समाधान करेंगे तो समस्या यथावत नहीं रहेगी। और आज मैं उसको पुनः कहना चाहूंगा कि हम बार बार इसे कोयले की समस्या बता रहे हैं, ये समस्या पूरी पावर सेक्टर की है, जिसमें उदय की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर उदय का उदय हो गया होगा, मैं उसके विस्तार से नहीं जा रहा हूं उसमें कि उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट थे, मैंने तब भी, मैं उस समय जब कोयला सचिव था तो हमारे मंत्री भी पीयूष गोयल जी थे, मेरे पास रिकॉर्ड है नोटेड, मैंने कहा कि उदय को जिस प्रकार से हम लागू कर रहे हैं ये सफल नहीं होगी, क्योंकि उदय को लागू करने का अधिकतर कार्य दिल्ली में किया जा रहा था। मैंने उनको बताया कि कोयले में जो थोड़ी बहुत सफलता हमें 2014-16 में मिली वो इस कारण मिली कि एक भी बैठक हमने दिल्ली में नहीं की राज्यों के साथ, सब बैठकें राज्य में जाकर करते थे, जहां अधिकतर अधिकारी जो समस्या से संबंधित थे वो बैठते थे, उन्हें वैल्यू प्रोपोजिशन हम देते थे, उनको समझाते थे, और हम एक एडवर्सेरियल रोल नहीं प्ले करते थे, हम कहते थे ये दोनों की समस्या मिलकर समाधान करें। आज की प्रमुख समस्या ये है कि देयर इज अ वॉर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। देखिए आप इस विषय के ऊपर आप जरा बारीकी से बताइए, हमारे देश के हमारे संविधान कहते हैं हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक संघीय ढांचा, कोयला उत्पादन 80% एक केंद्र सरकार का एक सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, उसका बहुत सारे सब्सिडरीज है, शाखाएं हैं बहुत सारे, वो बहुत बड़ा कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आप जानते हैं इसका विश्व में सबसे बड़ा कोल माइनिंग कोयला खनन का कंपनी है, इसमें देश का 270,000 लोग नौकरी मिल गया, इसके 7 शाखा है, सब्सिडरीज है। तो ये कंपनी का भूमिका के बारे में मैं और कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले केंद्र और राज्य की जो जो संबंध है उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा। मालूम नहीं जन साधारण को ये जानकारी है नहीं कि आज की तारीख में अधिकतर कोयला उन राज्यों में है जो कि नॉन एनडीए सरकार है, जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और एमपी में थोड़ा सा कोयला। इसलिए ये आवश्यक है क्योंकि कोयला खनन का कार्य राज्यों में होता है, केंद्र में नहीं होता, तो जहां पर ये कार्य होता है उन राज्यों से सामंजस्य बनाए रखना अति आवश्यक है, क्योंकि कोयले खनन के लिए सबसे पहले लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्वायर करना होता है, ये समस्त कार्य राज्य सरकार करती है। उसके बाद एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए होता है जिसका प्रमुख कार्य राज्य में होता है। तो अगर हम मारपीट करेंगे और तू-तू मैं-मैं करेंगे तो हर सरकार इसमें फिर बाधा उत्पन्न करेगी। मुझे स्मरण है कि जब हम राज्यों में जाकर चर्चा करते थे तो राज्यों को एक वैल्यू प्रोपोजिशन देते थे, ये बताते थे कि अगर कोयले का खनन होगा तो उनको कितना वित्तीय लाभ होगा, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब तक हम वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं बताएंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि आपकी वजह से कोयला उत्पादन नहीं हो रहा है और मारपीट करेंगे तो शायद कोयले की उत्पादन में वृद्धि नहीं आएगी। इसलिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारों में सामंजस्य बनाया जाए जिससे कोयले का उत्पादन हो सके। मैं सुन रहा था आपने करण थापर जी को 12 अक्टूबर आपका इंटरव्यू मैंने सुना, बारीकी से सुना, मगर अभी सवाल ये है कि आप कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड 2016 में इनके पास कैश था, पैसा था, अपने राजस्व था 35,000 करोड़, ये 2017 के बात कर रहे हैं, मगर जो सुतीर्थ भट्टाचार्य जी जो कोल इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे उसके बाद एक साल कोई नहीं था,
उस पद में कोई था, बाद में हाँ वो भर गया। फिर भी आपने ये भी कहा कि उस समय केंद्र सरकार ने हाँ किस तरह से कोल इंडिया का पैसा उस पर डिविडेंड के तहत से अपने बजट केंद्रीय बजट में ले आया, और हमारे जो एडिटर साहब है प्रवीर पुरकायस्थ, उन्होंने कैलकुलेट करके देखा वो लगभग 6-7 साल में मोदी सरकार के समय में 77,000 करोड़ कोल इंडिया लिमिटेड ने डिविडेंड दिया केंद्र सरकार। और आपका अगर पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे देखेंगे 2019-20 पूरा सिर्फ डिविडेंड नहीं, अलग अलग जो 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 कोल इंडिया लिमिटेड जो केंद्र सरकार को देते हैं वो लगभग 3,76,000 करोड़ के आसपास थे एक साल में। तो आप कोल इंडिया लिमिटेड से पैसा ले रहे, और यही कोल इंडिया लिमिटेड आपने जो कहा ये स्वच्छ भारत प्रोग्राम के लिए शौचालय कोल इंडिया का इंजीनियर बना रहे हैं, आप खाद उत्पादन के लिए बोल रहे कोल इंडिया आप निवेश कीजिए फर्टिलाइजर सेक्टर में, तो इसीलिए आज कोल इंडिया लिमिटेड कमजोर हो गए और इसका उत्पादन जिस तरह से बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा। एक समय आप कह रहे थे 2016 में हम बांग्लादेश को कोयला देंगे, हम यहां से कोयला निर्यात करेंगे, वो सारे कहानी बदल गया और कोयला का जो उत्पादन होना चाहिए था नहीं बढ़ा। बिल्कुल सही फरमाया। देखिए आज की तारीख में हम लोग तात्कालिक जो समस्याएं उन पर चर्चा कर रहे हैं कि पानी बरस गया और दाम बढ़ गया। आप इस बात पे विचार कीजिए कि जिस रफ्तार से कोयला का उत्पादन 2014 और 2016 के मध्य बढ़ रहा था लगभग 9%, अगर उसी रफ्तार से कोयले का उत्पादन बढ़ रहा होता तो आज की तारीख में कोल इंडिया 750,000 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन कर रहा होता, जबकि अब के 600 कर रहा है 600 मिलियन टन, और तब करता 750 मिलियन टन कोयले का उत्पादन। इसकी ये प्रमुख समस्या है। अब जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया ये क्यों हुआ, ये जिस रफ्तार से बढ़ रहा था क्यों नहीं बढ़ा, उसके आपने कारण बिल्कुल सही बताए। मैं एक चीज सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूंगा क्योंकि खाली धनराशि की बात करके बात पूरी नहीं बनती है। जो आपने सही कहा कि जो डिविडेंड लिया गया ये पैसा जो 35,000 करोड़ रुपए कोयले कोल इंडिया के पास था, इसका प्रमुख उपयोग नई खाने और वर्तमान खानों को बढ़ाने के लिए था। कोयले का उत्पादन कैसे बढ़ता है, या तो आप नई खाने लेंगे या वर्तमान खानों को बढ़ाएंगे, जो वर्तमान खाने उनसे जो उत्पादन हो रहा है तो हो ही रहा है, उसमें खर्चा आता है। उस खर्चे के लिए ये जो प्लान बना था 1 बिलियन टन का उसमें ये 35,000 करोड़ रुपए का उपयोग होना था, ये बहाना उपयोग होकर डिविडेंड पे चला गया, इसलिए जो एक्सपेंशन प्लान होना था कोयले का कोल इंडिया द्वारा वो नहीं हो पाया। बाकी भी आपने बिल्कुल सही कारण बताया कि एमडी एक सीएमडी ना होने की वजह से 2017 से जो मोमेंटम उससे पहले 2 साल बना था वो मोमेंटम खत्म हो गया। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिन माइन मैनेजर्स को माइन की प्लानिंग करनी थी भविष्य के लिए उनको आपने स्वच्छ भारत अभियान में लगा लिया, पैसे को माइन एक्सपेंशन और माइन नई माइनों की बजाय फर्टिलाइजर प्लांट लगा दिया। वो ये सब कारण थे मिलजुल के। ये कौन ये सब कौन किया, ये जो आदेश किया जो कोल इंडिया लिमिटेड को, ये कौन बोला कि तुम खाद बनाना शुरू कर दो, तुम शौचालय बनाना शुरू करो? देखिए ऐसा है, देखिए शौचालय वाला कार्य तो जब मैं था तभी ये चर्चा शुरू हो गई थी, तो मैं मजाक में कहता था कि अब कोल इंडिया का जो टैगलाइन है वो बदल के कर दिया जाए, वी सेट अप टॉयलेट्स वी ऑल्सो प्रोड्यूस कोल, मतलब प्रायोरिटीज ही चेंज कर दी थी मुझे याद है कि कैबिनेट मीटिंग में। लेकिन मैं उस समय इसलिए ज्यादा दोषारोपण नहीं करना चाहता किसी को क्योंकि उस समय कोयले का उत्पादन इतना अधिक हो गया था कि मुझसे पूछा जाता कि आप वर्तमान कोयला तो बेच नहीं पा रहे तो आप क्यों इतना परेशान है। मैं उनको समझाता था मैं आज के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं 5 साल बाद के लिए परेशान हूँ, क्योंकि कोयल माइनिंग आज निर्णय लेकर कल नहीं शुरू हो जाती है, कोयल माइनिंग करने में 5 से 7 साल लगता है, उसके बाद कोयले का उत्पादन होता है। अगर वो पर्सपेक्टिव प्लानिंग कोल इंडिया नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में भी समस्या आएगी। तो आज की तारीख में जो कोल इंडिया प्लान करेगा वो 3-4-5 साल बाद उस कोयले का उत्पादन होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माइन आपने निर्धारित किया और जाके कोयला निकालना शुरू कर दिया, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इसमें माइनिंग है। ये बात सब लोग नहीं समझते, वो वर्तमान में 2016 में स्थिति इतनी कंफर्टेबल हो गई थी तो उन्होंने कहा कि अब परेशानी क्या बात है, कोयल तो आपके कोयला आपके पास इतना ज्यादा है, तो इसको थोड़ा प्लान करके। अब आपने पूछा ये निर्णय किसने लिया, ऐसा है कि कोल इंडिया का प्रमुख शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है,
तो बोर्ड मीटिंग में जो निर्णय होता है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती होती है। इसीलिए जो इंटरफेरेंस थी कोल इंडिया की, कोल गवर्नमेंट की कोल इंडिया पर, उन दो साल में उस इंटरफेरेंस को रोका गया और ये कहा गया कि हम रोल डिफाइन करें। मैं आज भी कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का रोल डिफाइन होना चाहिए और केंद्र को रोज अपनी नाक उसमें नहीं डालनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये पुनः आरंभ हो गया है। हर निर्णय के लिए वो सरकार की तरफ अगर देखेंगे तो कोल इंडिया का या किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का उत्पादन नहीं होगा। 2014 और 16 के बीच में ये स्पष्ट निर्धारण किया गया था कि केंद्र सरकार क्या करेगी और कोल इंडिया, सुधीर भट्टाचार्य से बिल्कुल क्लियर अरेंजमेंट था कि आपका काम है कोयला खोदना, मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं? क्योंकि अगर राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करना है तो कोल इंडिया के लिए ज्यादा कठिन है बनिस्पत केंद्र सरकार के। अगर केंद्र सरकार का सचिव जाकर राज्य सरकार में वहां के मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री से मिलता है तो वो सामंजस्य आसान है बनिस्पत इसके कि चेयरमैन कोल इंडिया वहां जाके बात करे। तो जो कार्य केंद्र को करना है, एक फैसिलिटेटर की भूमिका करनी है, मॉनिटर की नहीं। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, केंद्र सरकार या हर सरकारों में बड़ी लोगों को आशा है कि मॉनिटर करने, वो मॉनिटर करना चाहता है हर जना। अच्छा अनिल स्वरूप जी, अत्यंत विनम्रता से आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो समस्या आपने बताया, जो हमारे सरकारी संस्था है, जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इनका स्वाधीनता के बारे में आज बहुत दशक से चर्चा चल रही है। आपने जो करण थापर जी का जो इंटरव्यू दिया, आपने एक आलोचना किया हमारे जो CAG विनोद राय जी के बारे में। जब ये जो कोल गेट का घोटाला, ये 1992 जो UPA सरकार थे, विनोद राय को क्यों इतना आप बोला, ही वेंट ऑन द रैम्पेज, आपका शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट था, हमारे भारतवर्ष के सबसे उच्च न्यायालय। 2014 कोल ब्लॉक जो अलॉटमेंट था वो एकदम रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसमें लगभग 2,800 करोड़ टन, 28,000 मिलियन टन्स कैपेसिटी थे, आंकड़ा शायद इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। मेरा कहना यह है, इसके बाद उसी समय आप सचिव थे, आपने नीलाम किया, आपने बोली लगाया एकदम एक पारदर्शिता के साथ, इन ए कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मैनर। तो विनोद राय जो किया, हमारे सबसे उच्च न्यायालय किया, भ्रष्टाचार हुई थी उस समय, मनमोहन सिंह जी का सरकार था। तो आप कह रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का काम था, ये एक ही युक्ति हमने सुना 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में, प्रिजम्प्टिव लॉसेस, मगर आप भ्रष्टाचार और कोयला खनन और कोयला अलॉटमेंट का भ्रष्टाचार रोकने का तो एक तो रास्ता था कि सुप्रीम कोर्ट बोला सबको कैंसिल करे, दोबारा ट्रांसपेरेंट एक पारदर्शिता के साथ आप इसका नीलाम कीजिए, इस विषय को आप कुछ कहिए। सबसे पहले तो अगर आपने मेरी पुस्तक नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट पढ़ा, उसमें विस्तार से इस पे एक्सप्लेन किया है मैंने कि CAG ने क्या गलत किया। मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए फिर भी बताना चाहूंगा। CAG की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ माइनिंग निकाली वो एवरेज करके निकाली। आप तो परिचित हैं कि माइनिंग कैसे होती है, कॉस्ट ऑफ माइनिंग वेरी करती है 300-400 रुपए से लेकर 2,000 से 2,500। तो किसी माइन में कॉस्ट ऑफ माइनिंग कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। अगर मैं CAG होता तो मैं हर माइन की कॉस्ट अलग निकालता और उसमें फिर देखता कितना लॉस हुआ, एवरेज करके नहीं निकालता, एवरेज करके सब गड़बड़ हो गया। मेरा मानना यह था कि एवरेजिंग में और फिर मल्टीप्लाई करके आपने वो परसेंटेज यहां भी ले आए जो लोगों ने चर्चा नहीं की, आपने प्रिज्यूम किया कि इतना लॉस होगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की गलती इतनी है कि उन्होंने डिटेल्स में ना जाके विनोद राय साहब की रिपोर्ट को एंडोर्स कर दिया और आगे बढ़ा दिया। विनोद राय साहब ने तो 2004 से जो माइंस थी उनको कैंसिल करने, या 2000 से जो माइंस थी सुप्रीम कोर्ट से 1993 से माइन सब कैंसिल कर दी। किन परिस्थितियों में उन माइंस का आवंटन किया गया था, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कई माइंस में गलत अलॉटमेंट हुआ, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन टू यूज दैट सेम ब्रश एंड डू कम टू कंक्लूजन कि हर चीज गलत थी, ये गलत था। तभी CAG की भूमिका ये थी कि अकाउंटेंट तो करता है टोटल निकाल के एवरेज कर देता है, CAG का काम यह है कि हर माइन, ये एक पेनस्टेकिंग काम था, वो पेनस्टेकिंग काम ना करके आपने एवरेजिंग काम कर लिया। आप अगर CAG थे, आपको हर माइन में कितना लॉस हुआ निकालना चाहिए, तो स्पष्ट रूप से सामने आ जाता कि 1993 से माइन थी
उस समय तो कोई माइन लेने को तैयार नहीं था, बुला बुला के लोगों कहते थे भाई कुछ ले लो तुम, यहाँ काम करा लो। तो हमें, मैंने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने रैम्पेजिंग काम ये किया कि एक लाइन से सब एक नंबर निकाल दिया कि इतना लॉस हो गया। दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि एज ए पास सिविल सर्वेंट आपको पब्लिक में जाकर इतने बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं करने चाहिए थे कि स्कैम हो गया। अगर आपको स्मरण हो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएजी उस रिपोर्ट को हाथ उठा के हिला रही थी, ये स्कैम हो गया। अरे आपका काम है रिपोर्ट पार्लियामेंट को देना है। उसके कुछ दिन पहले उसका जो ड्राफ्ट रिपोर्ट ये भी अखबार में छप गया था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं खुद सिविल सर्वेंट रहा हूँ, I will never go to town with such reports. मुझे जो कहना है मैं काम करूंगा, फिर जिसको बोलना है बोलेगा, अब मैं ही बोलना शुरू कर दूं। तो दो प्रमुख गलतियां, एक तो कैलकुलेशन में गलती हुई और दूसरा जो पब्लिसिटी की हुई वो गलती हुई। ठीक है, मैं न्यूज़क्लिक के सारे दर्शक को कहना चाहता हूं कि अनिल स्वरूप जी अपना एक किताब लिखा है जो एथिकल डायलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, जो जैसे वो सरकारी ऑफिसर का अपने जो 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 समस्या होता है, जो जो नीति नैतिकता को लेके, इस विषय के ऊपर आप जरूर पढ़िए, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा। अनिल स्वरूप जी, दो या तीन सवाल और है। पहला सवाल ये है कि देखिए, ये हम लोग आज जैसे आपने कहा कोल इंडिया लिमिटेड, लगभग 80% हमारा जितना कोयला का उत्पादन होता है ये कंपनी से आते हैं। हम लोग लगभग 15-20% विदेश से आयात करते हैं, ठीक है, इसमें एक एक छोटा सा हिस्सा है जो कैप्टिव पावर है। तो अभी देखिए, हम देख रहे हैं किस तरह से, और ये हमारे जो उपभोक्ता है उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किस तरह से एक उनका आशंका है कि बिजली का कीमत बढ़ेगा, बिजली का रेट बढ़ेगा और उपभोक्ता को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आप जानते हैं किस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, रसोई गैस का दाम बढ़ गया। ये बिजली का जो निजी कंपनी जो खरीदते हैं और बेचते हैं, ये 4 और 6 रुपया हर किलोवाट आवर ये यूनिट इसका कीमत थे इस साल में, कुछ 6-8 महीना पहले। आज वो दोगुना हो गया, 3 गुना हो गया, 16 रुपया और 18 रुपया पर यूनिट या किलोवाट आवर। तो इसका एक असर जरूर उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा। कोल इंडिया लिमिटेड जिस दाम में कोयला देते हैं कम है, बहुत कम है, 50%, 60%, 70% जो विदेश से आयात करते हैं। मगर आज हम देख रहे हैं कि इंडोनेशिया, जहां से हम लोग विदेश से हम आयात करते हैं कोयला, वहां का किस तरह से दाम बन गया। बहुत कारण है, चीन से मांग बढ़ गया, मगर $60 था पर टन, वो बढ़ के अभी दुगना से भी ज्यादा हो गया, एक साल में 160 हर टन में। और हमने एक केयर का रिपोर्ट पढ़ रहे थे CARE का, उसमें लिखा है एक तरह से अनऑफिशियल एक बैन हो गया हम ऑस्ट्रेलिया से आयात करता। तो इस ये जो आयात के बाद, एक समय हम निर्यात के बात कर रहे थे एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश, ये आयात के बाद, और जो उपभोक्ता के ऊपर, जो जो कंज्यूमर्स के ऊपर उनका जो दाम बढ़ना, इस विषय के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली देखें, पहले कोयला देखते हैं फिर बिजली का देखते हैं, ठीक है। कोयले में अगर आप आंकड़े देखें आज की, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है, हमारा लगभग रिक्वायरमेंट 900 मिलियन टन का है और कंट्री में 700 मिलियन टन लगभग प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें से 600 मिलियन टन कोल इंडिया का है। ये है, अब जो 200 मिलियन टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें लगभग 80 से 100 मिलियन टन ऐसा है जो कि कोयला भारतवर्ष में उत्पादन नहीं होता, उसकी क्वालिटी ऐसी चाहिए, कुकिंग कोल है या जो हमारे कोस्टल पावर प्लांट्स हैं जिसमें बहुत हाई क्वालिटी का कोल चाहिए, उनके बॉयलर्स ही इंपोर्टेड कोल पे लगे हैं, तो वो तो इंपोर्ट होता रहेगा, उसकी हमें बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। 2014-16 में भी हमने ये विश्लेषण किया, जो बचा हुआ 100 से 120 मिलियन टन कोयला जो हम इंपोर्ट करते हैं वो रिप्लेसेबल है, यानी कि उस कोयले का उत्पादन हम देश में कर सकते हैं। 2014-16 में हमारा पूरा बल इसी बात पे था कि उस 40% कोल की हम चिंता ना करके 60% कोल की चिंता करें जो कि हम उत्पादन कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, हमने किया। आपको मैं बताना चाहूंगा, उस समय लगभग 25,000 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज बचा था, क्योंकि जितने पब्लिक सेक्टर प्लांट्स थे उसमें इंपोर्ट बंद हो गया था,
यानी कि वो कोयला जो इंपोर्ट कर रहे थे वो लोकली हम उपलब्ध करा रहे थे। ये लेता है मुझे दूसरे बिंदु पर कि ऐसी स्थिति क्यों आती है। इसलिए आती है कि अगर कोल इंडिया का उत्पादन 600 मिलियन टन 3 साल तक सिर्फ स्टैग्नेट करेगा तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें वो कोयला भी इंपोर्ट करना पड़ेगा जो हम यहाँ लाते थे। जो पूर्व में मैंने चर्चा की उसमें यही समझाया था कि हमें कोल इंडिया के प्रोडक्शन का इंक्रीज का प्रयास करना चाहिए, और जो अभी हुआ जो भी कारण रहा इट शुड बी ए वेकअप कॉल कि हम कोल इंडिया का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो 60% कोयला जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कोल इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है। मैं इस बात पे कह रहा हूं कर सकता है क्योंकि इसने किया 2014-16 में जो भी मैं बता रहा हूं। अब आइए बिजली की बात। बिजली का जो प्राइस एक्सचेंज पे होता है वो इट्स अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई तो दाम बढ़ गया, तो हमें उसके बारे में बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता ये करनी चाहिए कि हम अपनी सप्लाई कैसे इंक्रीज करें। देखिए ऐसा है, डिमांड साइड मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल है। डिमांड तो अपने आप आती है, चाहे वो इंटरनेशनल डिमांड डोमेस्टिक डिमांड हो, उसको हम और आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सप्लाई साइड मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, यानी कि चाहे कोयले की सप्लाई हो चाहे बिजली की। तो हमारे देखिए जितने इंटेलेक्चुअल्स एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ डिमांड साइड पे चर्चा करते हैं क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चर्चा कर लीजिए। चर्चा होनी चाहिए सप्लाई साइड मैनेजमेंट, क्योंकि हम उसमें कुछ कर सकते हैं। मेरी जितने लेख हैं, जितनी चर्चा है, जो भी मैंने कहा है वो उन बिंदुओं पर कहा है जिसमें कुछ हो सकता है। ये इंटेलेक्चुअल एकेडमिक डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इसलिए सप्लाई साइड मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव करें ये एक बड़ा विषय है। सप्लाई कैसे हम बिजली की बढ़ाएं, हमें डिस्कॉम्स की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। मैंने अभी एक लेख लिखा 2 दिन पहले हिंदू में, उसमें कहा कि अगर कोई मॉडल गुजरात का बाकी देश के लिए उपयोगी है तो वो है बिजली का मॉडल, क्योंकि बिजली के संदर्भ में गुजरात ने बाय एंड लार्ज समस्या का समाधान कर लिया है। बिजली थोड़ी महंगी सस्ती उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 16 रुपए नहीं होगी, थोड़ी महंगी हो जाएगी, 1-2 रुपए बढ़ जाएगी, 16 रुपए 18 रुपए वो नहीं होगी। तो अगर थोड़ी बढ़ानी भी पड़े बिजली की दाम, जो डिस्कॉम सप्लाई कर रहा है, जो डिस्कॉम दे रहा है, तो वो बढ़नी चाहिए। अब अन्यथा ये 16-18 देना पड़ेगा। हम या तो 16-18 दें या अपने जनरेटर से 12 रुपए पर यूनिट दें, उससे बेहतर यह है कि डिस्कॉम थोड़ी बढ़ा दे। हम झगड़ा करते हैं डिस्कॉम 1 रुपए भी बढ़ाता है, तो हमें उसको डिस्कॉम्स को वायबल बनाना होगा। उनके जो AT&T लॉसेस हैं उनको कम करना पड़ेगा, उनकी स्मार्ट मीटरिंग करनी पड़ेगी, उनके फीडर सेपरेशन करने पड़ेगा। ये सब काम गुजरात में हुआ और अन्य 1-2 राज्य में हुआ, हमें उनसे सीखना पड़ेगा। डिस्कॉम्स की स्थिति सुधारनी पड़ेगी, उदय का उदय होना पड़ेगा। उदय में ये सब चीजें हैं। अनफॉर्चुनेटली उदय का उदय दिल्ली में नहीं हो सकता, उदय का उदय राज्यों में जाकर होगा। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, अगर आप पूछिए किसी से कि सचिव ऊर्जा ने पिछले 4 सालों में कितनी बैठकें राज्यों में जाके की, आपको उत्तर मिल जाएगा। जब तक सचिव महोदय खुद राज्यों में जाकर दिन भर नहीं स्पेंड करेंगे, दिन भर और मे बी 2 दिन वहां से बैठकर डिटेल प्लानिंग। मैंने अक्सर कहा था, आज की तारीख में तो एनडीए सरकार नहीं है राजस्थान में, मैं 2015-16 में मेरा नोट है कि राजस्थान सरकार के लोग गांधीनगर में जाकर बैठकर 4-6 दिन बैठकर क्यों नहीं समझते कि गुजरात में कैसा हुआ। दोनों राज्य सरकार में एक ही राजनीतिक उस समय राज्य था, दोनों पड़ोस के हैं, दोनों का टेरेन एक सा है, तो अगर गुजरात में हो सकता है यहाँ क्यों नहीं हुआ। ये एक मेहनत का कार्य है, इसमें शायद उतनी पब्लिसिटी नहीं होगी। आप 2 दिन की मीटिंग करते हैं तो क्या पब्लिसिटी करेंगे, लेकिन अगर आप उदय अनाउंस करेंगे तो उसकी बड़ी पब्लिसिटी होगी। हर 6 महीने बाद कहते रहिए उदय का उदय हो रहा है, उदय का उदय हो रहा है, अब मैं सुन रहा हूं उदय 2 आ रहा है। लेकिन उदय का उदय होना पावर सेक्टर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग अक्सर कोयले की बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि रियल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो पावर सेक्टर में है, उसकी हम चर्चा ही नहीं करते क्योंकि शायद वो उतना सेक्सी नहीं है जितना कोल है। 27 सितंबर आपका कोयला मंत्रालय का सचिव अनिल कुमार जैन जी, प्रमोद अग्रवाल जो कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, लंबा चिट्ठी लिखा, वो चिट्ठी अभी सार्वजनिक हो गए। वो बोला कोल इंडिया आप कुछ कीजिए, आपने ठीक तरह से प्रबंधन नहीं करा है, ठीक तरह से सप्लाईज नहीं किया। 18 अक्टूबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पार्थो भट्टाचार्य जी जो भूतपूर्व चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने लिखा आप अनफेयरली यू आर ब्लेमिंग CIL अनफेयरली। इन्होंने कहा कि किस तरह से कोल इंडिया का स्टॉक अप्रैल और सितंबर के बीच 100 मिलियन टन से गिर के 40 मिलियन या 42 मिलियन टन गिर गया, किस तरह से 250 से ज्यादा कोल इंडिया का कर्मचारी
वो उनका मौत हो गया कोविड के लिए। तो ये तू तू मैंने चल रहा है आज भी। देखिए हमारे कोयला मंत्री बोल रहे सब ठीक हो जाए, हमारा ऊर्जा मंत्री आर के सिंह बोल रहे ये तो संकट ही नहीं है, ये संकट हुई क्योंकि गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हमारे टाटा कंपनी को कुछ ऐसा किया, मिस कम्युनिकेट, ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं किया। तो हमारे देश में जो एक कैबिनेट है ना जी, एक कैबिनेट का क्या काम है जी, ये अलग अलग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, एक तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है जी? आज के बहुत साल से, बहुत दशक से ही समस्या चल रही है, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए ऐसा है, जो मंत्रीगण कह रहे हैं, अगर मैं मंत्री होता तो मैं भी वही कहता। मैं ये थोड़ी ना कहता कि क्राइसिस है, मैं थोड़ी ना कहता कि इतनी बड़ी समस्या हम नहीं, हम हमेशा ये कहेंगे हम समाधान करेंगे। तो उनकी तरफ से बात को समझना चाहिए और उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो राजनीतिक हैं और उनको एक अपनी टिप्पणी करनी कर रहे हैं और मेरे विचार से सही कर रहे हैं, कोई और टिप्पणी इसमें संभव नहीं है। मुझे समस्या दूसरी है जो आपने पहले कही, 2014 से 16 में मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कोई पत्र लिखा हो चेयरमैन सीआईएल, लंबा तो छोड़ दीजिए, बहुत औपचारिक पत्र जरूर लिखे होंगे, लेकिन इस प्रकार का पत्र नहीं लिखा कि कोयला उत्पादन बढ़ा दीजिए। कि मेरा स्पष्ट रूप से मानना था, अपने 38 साल का अनुभव मुझे बताता है कि अगर पत्रों से कोई समस्या का समाधान हो जाता तो आज तक कोई समस्या ही नहीं रहती देश की। तो मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि क्यों हम पत्र लिखते हैं, हम एक फोन उठाकर या जाकर चर्चा क्यों नहीं करते, हम ये समझने की कोशिश ये नहीं करते। ये मुझे बताइए, कोल इंडिया कोयले का उत्पादन क्यों नहीं करेगा? तो करेगा, हम ये मान के चलते हैं कि बिना मेरे डंडा चलाए वो नहीं करेगा, ये गलत। हमें कोल इंडिया से समझना चाहिए कि उनकी समस्या क्या है और फिर ये कहना चाहिए कि मैं कहां आपका इसमें योगदान कर सकता हूं। समस्या चला के अगर उत्पादन बढ़ रहा होता तो जिन्हें कब का बढ़ गया होता। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि आप सिर्फ विश्लेषण तो कीजिए, 2014 और 16 के बीच में क्या हुआ, समाधान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो हुआ था। और ये भी जानकारी मिलेगी कि तब कोई इस प्रकार का पत्र नहीं लिखा जाता था कि आपने ऐसा क्यों किया। ये स्पष्टीकरण कॉल करने का थोड़ी ना समय है, जब कोई क्राइसिस आती है हमें बढ़ाना है तो मिल बैठ के करना होगा। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, दोषारोपण चाहे केंद्र राज्य में हो आपस में या केंद्र सरकार हो कोल इंडिया में, दोषारोपण से समस्या का समाधान कभी नहीं होता, मिल बैठ के समस्या का समाधान निश्चित होता है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि ये हुआ था समाधान, आज की तारीख में पुनः उस प्रकार से समाधान, चाहे वो केंद्र राज्य सरकार में मिल बैठ के हो या केंद्र सरकार और कोयला कोल इंडिया में हो, मिल बैठ के ही समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि पूर्व में ऐसे ही समाधान हुआ है। आपने बहुत बारीकी से, विस्तार से सारे विषय के ऊपर आपने समझाया न्यूज़लीक का दर्शक के लिए। मेरा आखिरी सवाल ये, जयराम रमेश जी जो यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री थे, वो 10 अक्टूबर 12:21 बजे ट्वीट किया, वो अंग्रेजी में ट्वीट किया, मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ। Suddenly we are hearing of a crisis in coal supply to power plants. Is one particular private company making a fortune out of this crisis? एक और सवाल उठाया, but who will invest? आप क्या कहेंगे, आपका टिप्पणी? भाई देखिए, राजनीतिक लोगों के ट्वीट पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसमें पढ़ना भी नहीं चाहता। मालूम नहीं उनका क्या तात्पर्य था, वो क्यों कह रहे थे, उन्होंने खुद क्या किया पर्यावरण मंत्री के रूप में, उसका प्रभाव क्या पड़ा कोयले पे, वो चर्चा का अलग विषय, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं राजनीति के ऊपर पहले भी वैसे भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ना तो मैं राजनीति में हूं, ना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है राजनीति ज्वाइन करने का। मैं एक सिविल सर्वेंट रहा हूं, आई एंजॉयड बीइंग अ सिविल सर्वेंट, आई लाइक टू कीप इट दैट वे। और आज आप लेखक हो गए, हाँ वो उसका आनंद अलग है। नहीं नहीं स्वरूप जी, मेरा कहना यह है कि क्या लोगों का एक आशंका है कि कुछ निजी कंपनी ये जो संकट के समय मुनाफा बनाएंगे और ज्यादा मुनाफा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण असाधारण मुनाफा कमाएंगे, ये भी आपका आशंका? देखिए मैं वर्तमान में नहीं, हर क्राइसिस में बेनिफिशियरी जो होता है वो सिलेक्ट रिच होता है और सबसे ज्यादा नुकसान कॉमन मैन का होता है। कोई क्राइसिस देख लीजिए, इस पे तो एक पुस्तक भी लिखी गई है पूरी की, हाउ डज क्राइसिस रिचेस्ट ऑफ द रिच। और अभी की बात नहीं है, देखिए जितना होशियार आदमी है वो क्राइसिस का लाभ उठा ले जाता है। आप थोड़ा डाइग्रेस करके मैं बता रहा हूं, आज आपकी तारीख आप देखिए कि सेंसेक्स कहां जा रहा है, संवेदी सूचकांक,
देखिए, देश की आर्थिक स्थिति का सेंसेक्स से कोई रिलेशनशिप नहीं। जीडीपी क्रैश करता रहा पिछले 4-5 सालों में, सेंसेक्स ऊपर जाता रहा, तो कोई इसमें वो आर्थिक विषय अलग से उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जैसा आपने कहा, ना केवल आज की तारीख में, खाली हम आज की तारीख में क्यों किसी को दोषारोपित करें, आप कोई क्राइसिस उठा के देख लीजिए, जो स्मार्ट आदमी है, जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर है, वो उसका फायदा उठा ले। अनिल जी, मैं अत्यंत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। सारे न्यूज क्लिक का दर्शक और श्रोताओं, आपको आपका बहुमूल्य समय, आपका कीमती समय आपने दिया, आपने सरल भाषा में लोगों को समझाया, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और न्यूज क्लिक को, सब दर्शक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सब देखते रहिए, सुनते रहिए न्यूज क्लिक।